नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों मेरा नाम है रंजय कुमार, मैं एक एक्टर और ऑथर। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है कर्म, मतलब काम करना। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप काम ना भी करना चाहें तो भी आपको एट एनी हाउ कैसे भी करके आपको काम करना ही होगा, ये प्रकृति का नियम है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करना ना चाहें, आप अपने आप से कह दें, लोगों से कह दें कि मैं कोई काम आज नहीं करूंगा, तो फिर आप करेंगे क्या? आप बैठे रहेंगे, तो बैठना भी एक काम है। जब बैठे रहेंगे आप तो आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, तो सोचना भी एक काम है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ये बिना सोचे एक पल के लिए भी नहीं रह सकता है। कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में आता ही रहेगा। और आगे चलते हैं, आप बैठे हैं घंटों तक बैठे हैं, अगर आपको एक नंबर जाना है या दो नंबर जाना है, देन दैट इज ऑल्सो अ वर्क, तब भी आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर जाना भी काम है, दो नंबर जाना भी काम है, अगर आप सांसें ले रहे हैं वो भी काम है, अगर आप बैठे बैठे कहीं देख रहे हैं तो वो भी एक काम है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आप प्रकृति के द्वारा परवश ही काम कराए जाते हैं, अगर आप ना चाहें तो भी। तो दोस्तों उसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दो तरह का काम है, एक अच्छा और एक बुरा। डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। भगवान कहते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मतलब परिणाम उसके जो मिलेंगे वो अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो परिणाम क्या मिलेगा? बुरा ही मिलेगा। तो डिसीजन जो है वो हमारे ऊपर है कि हम करना क्या चाहते हैं। लेफ्ट राइट दो रास्ते हैं। अब भगवान तो आकर हमें नहीं कहेंगे ना कि तुम लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ, तुम्हें अच्छा करना है या बुरा करना है। भगवान ने हमें एक दिमाग दिया है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो दिमाग भगवान ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम डिसीजन मेकिंग जो सेंस है हमें वो हम कर सकें, डिसीजन हम खुद से ले सकें। दोस्तों जब भी हम कोई काम करें तो अच्छा काम करें, अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, सोचता और समझता भी हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान रिजल्ट अच्छा ही चाहेगा, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ गलत हो। काफी लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत गलत काम करते हैं, लेकिन वो भी उस काम को करते हुए भी रिजल्ट अच्छा ही चाहते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान अच्छा रिजल्ट ही चाहता है, इसलिए अगर अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं तो आपको अच्छा काम करना होगा। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों की मदद करें, अपनी खुद की मदद करें। वो कैसे? सिगरेट ना पिए, दारू ना पिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। जी हाँ दोस्तों, जब आप अच्छा अच्छा सब कुछ करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ब्लैंक होकर ना बैठे, मतलब खाली ना बैठे कभी भी नहीं, क्योंकि जो समय है दोस्तों हमारे जीवन से हर एक सेकंड से समय बीतता जा रहा है, चला जा रहा है, इसलिए कभी भी खाली ना बैठें, कर्म करते रहें। और जो आप कर्म करेंगे उसी का परिणाम मिलेगा। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं चुपचाप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला है। आप समझिए कि आपका समय वो बर्बाद हो रहा है, तो अपने समय को बर्बाद ना करें, कर्म करें। कर्म करेंगे तो ही आपको कुछ ना कुछ उसका फल मिलेगा।
दोस्तों, अगर कोई मैच खेलेगा ही नहीं तो वो क्या हारेगा और क्या जीतेगा, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस ओर आपको कदम बढ़ाना होगा, कर्म करना होगा। अगर आप 10 कदम आगे बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो समझिए आप 10 कदम नजदीक आए हैं। और 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा नजदीक आएंगे। इसी तरह से दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो भी लक्ष्य आपके जीवन में है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमें फिल्म देखने जाना है तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ देखने जाना है, मतलब कौन से थिएटर। हम लोग समय डिसाइड करते हैं, कितना का टिकट है उसमें। उसके बाद हम वहां तक जाते हैं, थिएटर तक टिकट लेते हैं। उसके बाद हम थिएटर के अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये सब क्या है? कर्म है, एक प्रोसेस है। आपको कर्म करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और जब कर्म करना जरूरी है ही, प्रकृति के द्वारा हमको मजबूरन काम करना ही करना है, तो हम क्यों ना अच्छा काम करें। दोस्तों, मैं आपको प्रेरित करता हूं कि अपने जीवन में आप अच्छा अच्छा काम करते रहें। आपके साथ हमेशा अच्छा अच्छा होता रहेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, एक थम्स अप दें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।